अच्छा, जहाँ पर ये दुकान तोड़ी गई है, इस दुकान में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जैक को रोलर लगा दिए गए हैं। ये तब लगाए जाते हैं जब पूरी की पूरी दुकान को पीछे खिसकाना हो, क्योंकि देखिए खर्चे वाला काम जरूर है। एक बार दुकान अगर टूट गई, मुआवजा कहीं से मिल नहीं रहा, और यही दुकानें दुकानदारों को कॉन्ट्री करके फिर से बनानी पड़ेगी। और इसी की एक तकनीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोलर लगाकर इस दुकान को पीछे खिसकाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नगला चौक पर। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से जेसीबी का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनके अलावा जो तमाम दुकानदार हैं वो भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कई दिनों से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। करनाल से यूपी बॉर्डर तक नेशनल हाईवे बनना है और यहाँ पर जो नेशनल हाईवे की जमीन है उसके इस तरफ सभी दुकानें बनी हुई हैं। लगभग 40-40 साल पुरानी ये दुकानें हैं और ये दुकानें तोड़ने की अब बातचीत चल रही है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका, आपकी भी दुकान है? सुरेंद्र, हाँ जी सुरेंद्र मोहन। ये आज से 65 साल पहले जब ये रोड पक्का नया बना था, उस वक्त यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये एकड़ भाव होता था ज़मीन का। और हरिजनों की बस्ती है, हरिजनों की बस्ती में इन्होंने अफसरों को, PWD के अफसरों को रस और गर्म गर्म गुड़ खिला के 65 फुट सड़क सामने वाली लाइन में धकेल दिए। और उस वक्त सस्ते ज़माने में किसी भी जमींदार ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और इनके खेत पे हरिजनों के 60 फुट बढ़ गए, फालतू हो गए। और उस 60 फुट में से 1983 में इन्होंने 33-33 फुट की सभी दुकानदारों की दुकानें काट के दे दी, बेच दी, जबकि वो रोड में थी। 33 फुट के बाद 27 फुट आज भी रोड वालों, रोड की सड़क पीछे पड़ी है जगह, 33 और 27, 60। उसके बाद हमारी रजिस्ट्रियाँ 1983 से एक्चुअल हमारी रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो खेत में पड़ी हैं। अब ये 38 साल हो गए इनको लगभग बेचे हुए को, जिसमें से ये उसका हमारी रजिस्ट्रियों की 33 फुट प्लस 60 फुट वो सारे का इन्होंने फायदा उठा रहे हैं, फसल का उठा रहे हैं, और हमें आज तक उसका कोई भी सहायता नहीं मिली थी। तो आज पुलिस प्रशासन आज इसलिए पहुंचा, ये दुकानें जो हमारी जो रोड में आ चुकी हैं जिन्होंने गलत बेच रखी थी। कितनी टोटल हैं दुकानें? 34 दुकानें हैं जी। 34? हाँ जी। तो जो इन्होंने दुकानें रोड में बेच रखी थी आज से 38 साल पहले, वो हम सड़क वालों बाप दादाओं ने उस वक्त खरीदी होगी इतने साल पहले तो कुछ नहीं। ये हरिजनों की जो हमने खरीदी थी, इन्होंने असल में खेत की रजिस्ट्रियां हैं, खेत आज भी फालतू पड़ा है इनका, रोड की जगह खेत में भी आती है। कितनी चौड़ी सड़क बनी है हाईवे? फोर लाइन बनेगी, अभी फोर लाइन बनेगी, 82 फुट है जी, 82 फुट तक बनेगा, जहाँ तक नहीं नहीं वो रस्सी है, ये रस्सी तक रोड बनेगा। और ये दुकान की जगह है, ये दुकान की जगह है, ये दुकानों की जगह है। सुल्तान सिंह मेरा नाम है और मैं ये गांव नगला मेघा से हूँ। आज प्रशासन ने हमारे साथ न्याय किया, मैं बड़ी खुशी है इस बात की, प्रशासन ने सही न्याय किया। जिसकी जहाँ जगह है उसको वहाँ मिल जाएगी, आगे हम भी अपना रोजी रोटी अपने बच्चे पालेंगे। ये पीछे मिल गई है जी? मिलने वाली नहीं है जी, मिल गई है। आप देख सकते हैं पीछे जो है जमीनें मिल चुकी हैं। जेसीबी का काम किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, जो लाइन, जो रस्सी आप वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ तक नेशनल हाईवे बनना है और 4 लेन नेशनल हाईवे बनना है। हालांकि कुछ दुकानदार यहाँ पर खुश भी हैं कि न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ये इस रस्सी के बीच में ये दुकानें हैं और इस रस्सी से आगे सारा रोड है, सारा फोर लेन बनना है, सड़क फोर लेन बननी है, जिसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई 82 फुट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस रस्सी से यहाँ तक ये दुकानों की जगह है, दुकानदारों को उनकी जगह मिल चुकी है और 4 लेन यहाँ पर नेशनल हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें। कुछ झड़प भी हुई है प्रशासन वालों से? नहीं, 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 कोई झड़प नहीं, बहुत ही मैं रजिंदर प्रमेजन नंबरदार हूँ नगला में। कैसे यहाँ से कितनी देर से मामला चल रहा है पुराना? ये लगभग 25-30 साल पुराना मामला है और ये जगह प्रशासन की दुकानों में ये लोग बैठे थे। अब ये इनको, ये जो इनकी असली जगह है जिनका हक बनता है वो इनको मिल चुका है और सभी सहमत हैं, इसमें किसी को भी डिस्प्यूट नहीं था। और मैं तो ये चाहूँगा अपने दोनों पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती है कि इसी तरह शांति बनाए रखें, जिनका हक है उनको देना चाहिए, मिल गया है आज सभी सहमत है, कोई नहीं शांतिपूर्वक नहीं बजे और आगे भी भाईचारा प्रेम प्यार अपना बना रहे। हम तो ये दोनों कई सालों से आपकी जमीन पर तो खेती चल रही थी, क्योंकि आपने जिन खेतों वालों से जमीन ली थी उन्होंने अगली आपको जमीन दे दी, ये तो उस पर तो वो खेती करते आए।
हाँ जी, लेकिन असलियत में दुकानदारों की जगह जो ये हमारे हरिजन भाइयों ने सेल की हुई थी पहले, ये असलियत में यहाँ पे बनती थी। ये लोग दुकानदार वाले पहले गलती के कारण, किसी भी कारण, पहले आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो बैठ गए थे यानी कि रोड के रास्ते पे, सड़क की जगह पे, वो अब असली इनको यहाँ पे मिल गई है। और इन दूसरी पार्टी का खेत भी पूरा, अपनी उनकी जायदाद भी पूरी है और यहाँ पे इन लोगों की बनती है, इनको मिल चुकी। पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा हुआ, क्या लग रहा था कि दुकानदार कहीं ना कहीं सहमत नहीं होंगे? नहीं नहीं, दुकानदार नहीं, किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ भी ऊंच नीच या कोई भी प्रवचन या गलत, शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस। दुकानें बनी हुई है, ये खाली कब तक हो जाएंगी? बस ये खाली नेक्स्ट अगले एक हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी। पहले भी कोई नोटिस वगैरह आया? हमारे पास 3-3 नोटिस आए जी, 3-3 नोटिस। हाँ, नोटिस के बावजूद जा रहा है, अपनी जगह लेने जा रहा है। अभी जो 34 के 34 दुकानदार हैं वो सहमत हैं इस बात? हाँ जी, हाँ जी, सभी सहमत है। सभी सहमत है, सहमत नहीं भी होंगे, टूट तो वैसे भी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन सड़क में है मैडम, हाँ, वो तो ऑटोमेटिक ही सड़क में है। प्रशासन की जगह है, यहाँ तक सड़क आया, देखो पीडब्ल्यूडी की जगह है, वो अपनी ले रहे हैं, वो अपने। मेरा नाम सतपाल है, मेरा नाम सतपाल है। सर, दोबारा अब यहाँ पर दुकानें बनेंगी, ये जमीन आपको यहाँ तक मिल गई, उसका सारा खर्चा कौन देगा? ये दुकानदार भाई आपस में करेंगे, इकट्ठा ज्वाइंट होकर। हाँ जी, ये अपने आप अपना सलूक करके पैसे इकट्ठे करके जैसे मर्जी बनाए, यही तो बात है ना भाई। इधर से वो टूट गई, इधर से नहीं बनानी पड़ेगी सारा कुछ। इसका कोई मुआवजा वगैरह भी मिल रहा है? नहीं नहीं, मुआवजा नहीं मिलने जा रहा है इनको, असल में जगह मिल गई, इससे बड़ा कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये सड़क पे ही आ जाते। लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें फिर बंद रहेंगी, जब तक नई दुकानें नहीं बनती समय तो देखो लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो रह गई। तब तक के लिए हम बेरोजगार हैं जी, बेरोजगार है, अपनी नुकसान हुआ जी बिल्कुल हमारे लिए। दोबारा ये 1947 बन गया जी, तो अब हमें जो हक जिसने बेची थी उसके पास वो पैदावार उठा रहा है, अब उससे हमने लिया अपना हक। तब तक करेंगे क्या फिर? तब तक हम कहीं किराए पे बैठ के देखेंगे जी, कुछ हिल्ला करेंगे आमने सामने कहीं भी। किस चीज की दुकान है आपकी? खाद की जी, दवाई की। तो आप देख सकते हैं 34 दुकानें हैं यहाँ पर, और किस तरीके से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। और आज प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा है, मंगलोरा चौकी से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, खुद जो DSP हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, महिला पुलिस भी यहाँ पर दल बल के साथ पहुंची थी। और ये जो जमीन आप इस वक्त देख रहे हैं जहाँ पर काम होता हुआ शुरू हो रहा है, यहाँ से उस रस्सी तक ये दुकानदारों की जमीन है। और अपने कंट्री करके एक तरीके से जो दुकानदार है, संयुक्त खर्चा कर यहाँ पर दुकानें बनवाएंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि जैसी दुकानें टूट जाएंगी, क्योंकि कल दुकानदार अपने दुकानें खाली कर देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं दुकानदार भी बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास भी कोई काम धंधा नहीं होगा। और जब तक उनकी दुकानें फिर से बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक वो लोग परेशान भी रहेंगे। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें जहां तक हो सके। आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है, JCB के द्वारा कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है, काम होता हुआ यहां पर दिख रहा है। और आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। जिनसे आपने जमीने ली थी वो लोग भी है यहाँ पर? मैंने नहीं ली, मैं तो नंबरदार हूँ, सोशल वर्कर हूँ। खेत मालिक भी है यहाँ पर, ये जो नहीं उधर परली साइड में है, तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं है अब उनकी? नहीं नहीं, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने भी बड़ी अपनी सहमति जताई दी है। हम उसके लिए भी इनका दोनों का आसान मन है, भाईचारा भी बना रखा है, इसी तरह होना भी इसी तरह चाहिए। उनकी भी तो खड़ी फसल है, वो भी तो यहाँ पर गिर रही है। मैंने उनको आज से 5 दिन पहले भी बोला था, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे ये इसको कटवा के चाहे दान कर दो, लेकिन इसे इश्यू मत बनाओ भैया, आपको फसल काट लेंगे। पूरे हरियाणा में इस टाइम किसी भी की गेहूं नहीं खड़ी है, तो ये कोर्ट कचहरी वगैरह में जाने जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई ये आप गेहूं काट लीजिए। लेने के लिए गए थे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ये अपने फसल का स्टे लेने, फसल का स्टे लेने के लिए गए थे। हाँ जी, खेतों वाले? हाँ, खेतों वाले। क्या इनके क्या बना? नहीं, नहीं। कुछ नहीं, डेड से साहब ने मना कर दी, कोई वो नहीं। तो तीन प्रशासन आ गए तो थोड़ी मतलब स्टे होगा या कुछ होगा? कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खड़ी फसल यहाँ पर, हालांकि जो खेतों वाले हैं वो कोर्ट में स्टे लेने के लिए जरूर पहुंचे थे ताकि उनको समय मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फसल का भी नुकसान जरूर हुआ है, फसल का भी नुकसान जरूर हुआ है। रस्सी से लेकर वहां तक जहाँ पर वो गड्ढे खोद दिए गए हैं, वहां तक जमीन खोद दी गई है, वहां तक जो खेतों की जो जगह है किस तरीके से वहां पर
सारी फसल को उखाड़ फेंक दिया गया है। और अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मामला बहुत ज़्यादा पुराना है, आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 34 दुकानें बताई जा रही हैं और हालांकि जो सभी के सभी दुकानदार हैं उनकी सहमति है, पिछले 40-40 साल पुरानी, 60-65 साल पहले ये दुकानें खरीदी गई थी और जिस समय खरीदी गई थी उस समय जो जगह उनको मिली थी वो खेतों की नहीं बल्कि आगे नेशनल हाईवे की मिली थी। और आज नेशनल हाईवे की जगह होने के कारण ही ये दुकानें उनको खाली करनी पड़ रही हैं और पीछे उनको दुकानें बनानी पड़ेगी। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो और भी कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या जो सभी दुकान वाले हैं उनकी सहमति है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये रोड है और यहीं से जो नेशनल हाईवे की जगह है वो शुरू हो जाती है और वहां तक जहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है वहां तक वो नेशनल हाईवे की जगह है। ऊपर भी आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरीके से निगरानी बनाते हुए नजर बनाए हुए हैं और वहां तक दुकानें टूट जाएंगी और ये सारी की सारी दुकानें जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं ये पीछे बनेंगी दुकानें और कुछ दुकानें तो यहाँ से टूट भी चुके हैं। आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कुछ दुकानें यहाँ पर टूट भी चुकी हैं। हालांकि दुकानदारों का यही कहना है कि कल तक वो अपनी सारी की सारी जो दुकानें हैं वो खाली कर देंगे और उसके बाद जो पीछे उनको जगह मिली है इस वक्त खेतों में जहाँ की फसल उखाड़ फेंक दी गई है वहाँ पर वो अपनी दुकानें बनाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं पिछले जो दुकानें हैं ये तोड़ भी दी गई है, 3-3 नोटिस इन दुकानदारों को मिले थे और उसके बाद सभी जो दुकानदार हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ हम पीछे अपनी दुकानें बनाएंगे जो खेतों में, अब उनको जगह मिल चुकी है। और अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें। अच्छा, जहां पर ये दुकान तोड़ी गई है इस दुकान में मैं आपको दिखाना चाहूंगी जैको रोलर लगा दिए गए हैं। ये तब लगाए जाते हैं जब पूरी की पूरी दुकान को पीछे खिसकाना हो, क्योंकि देखिए खर्चे वाला काम जरूर है, एक बार दुकान अगर टूट गई मुआवजा कहीं से मिल नहीं रहा और यही दुकानें दुकानदारों को कॉन्ट्री करके फिर से बनानी पड़ेगी। और इसी की एक तकनीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोलर लगाकर इस दुकान को पीछे खिसकाने का काम किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं दुकानदार इस किन किन तरीकों से अपनी दुकान बचाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दुकान के पिछले तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पूरे बेस यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं वैसे होता है और उसी तरीके से ये पूरा का पूरा बेस तैयार कर दिया गया है। ऐसे ही कई बार देखा जाता है कि 3-3 मंजिले घर भी खिसका दिए जाते हैं। पैसा जरूर बचाए जा रहे हैं क्योंकि अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है कि किस तरीके से जिन दुकानदारों की दुकानें टूट जाएंगी उनका काम खत्म हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, 6-6 महीने तक वो इसी तरीके से बेरोजगार घूमते रहेंगे और उसके बाद उनको दुकानें भी बनानी है, वो भी खर्चा करना है और जब तक दुकानें नहीं बनती तब तक भी वो बेरोजगार रहेंगे। एक बार जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हालांकि दुकानदार यहाँ पर कोई अभी बैठे नहीं हुए क्योंकि पीछे जो है कार्रवाई चल रही है और हो सकता है कार्रवाई को देखने के लिए ही वो दूसरी तरफ गए। और ये आप देख सकते हैं हर तरफ निचली तरफ ये आप देख सकते हैं रोलर लगा दिए गए हैं, जैक लगा दिए गए हैं और पूरी की पूरी इमारत को ही, पूरे के पूरे दुकान को ही पिछली तरफ घसीट दिया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं नगला मेगा चौक से, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं नगला मेगा चौक से करनाल के, जहां पर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। तो इस वक्त करनाल से तहसीलदार हैं राजबख्शी, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, दुकानें टूट रही हैं, दुकानदारों की सहमति मिल रही है क्योंकि पुलिस तो पूरे दलबल के साथ आज यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुँचे हैं। नहीं मैडम, आज कोई दुकान का इशू नहीं है, आज हमारे डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन आई हुई है जी। तो वो हम डिमार्केशन के लिए कुछ यहाँ पे झगड़ा होने का अंदेशा था, इसलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स मांग के डी साहब के आदेश के अनुसार हम डिमार्केशन करते हैं। लेकिन सर, जो दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि हम लोग सहमत है, 34 दुकानें और जो सभी दुकानदार हैं वो सहमत है और पीछे दुकानें बनाने को तैयार हैं। देखिए मैडम, जो भी किसी की B&R की जमीन पे किसी की इंक्रोचमेंट होगी तो वो तो अंडरस्टूड है कि उसको तो डोमोलिश B&R करेगा ही जी। जिसकी रोड पे आएगी वो डोमोलिश होगी। तो दुकानें कब तक खाली होने की उम्मीद है?
देखो अभी तो नहीं कुछ ऐसा कह सकते क्योंकि 30 जून तक हाई कोर्ट ने में इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आप डिमोलिशन करोगे तो अपने आप को खाली करना चाहता था उसकी। सर निशानदेही का काम पूरा हो चुका है? हाँ चल रहा है, बस अभी खत्म होने वाला है। निशानदेही का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि डीमार्केशन के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचे थे। लड़ाई झगड़े के अंदेशा जरूर था कि हो सकता है कुछ दुकानदारों से लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसी को लेकर पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा था। हालांकि ये दुकानें कब खाली होंगी ये तो दुकानदारों पर निर्भर करता है क्योंकि 3-3 नोटिस इनको पहले ही चस्पा दिए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुकानदार अपनी सहमति दिखाए हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।